अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दवा प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल नंबर 2 में खुश आमदीद। मेरा नाम फिजर मुस्तफ़ा है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि जावा कहाँ पर यूज़ होती है। तकरीबन 3 बिलियन डिवाइसेज हैं जहाँ पर जावा यूज़ हो रही है, और ये जो डिवाइसेज हो सकती हैं ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकती हैं, वेब एप्लीकेशंस, एंटरप्राइज, एम्बेडेड गेम्स, रोबोटिक्स वगैरह में, इन सब में मतलब कि जावा प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही है। अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि एडोब रीडर, मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस वगैरह, ये जितनी भी हैं ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती हैं जिनमें जावा यूज़ होती है। वेब एप्लीकेशन हो गई, जिस तरह कोई वेबसाइट सपोज youtube.com है तो ये जावा सपोर्टेड है। अगर उसमें जावा इनेबल नहीं होगी तो हमें वहाँ पर वीडियोज़ नज़र नहीं आती। एंटरप्राइज एप्लीकेशन हो गई, इनके जो सॉफ्टवेयर हो गए सपोज एडम पियर हैं तो ये जावा सपोर्टेड सॉफ्टवेयर हैं, इनमें जावा का इनेबल होना ज़रूरी है। मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, मोबाइल में देखें अब एंड्रॉयड के जो हैं वहाँ पर भी जावा यूज़ होती है। एंड्रॉयड में चूँकि XML और जावा यूज़ होती है तो मोबाइल एप्लीकेशन में भी मतलब कि जावा प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। एम्बेडेड रोबोटिक्स गेम्स में भी यूज़ होती है। अब यूनिटी के ऊपर भी हमने आगे ट्यूटोरियल बनाने हैं, यूनिटी 3D गेमिंग, 2D गेम्स हमने बनानी है, तो उसमें तो क्या यूज़ होती हैं कि सी है यूज़ होती है, लेकिन उसका जब हम उसको बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो इंजन है वो जावा कोड में उसे कन्वर्ट कर देता है। तो ओवरऑल इस स्लाइड को बनाने का मकसद ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस के या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के या IT के और आप जावा पढ़ रहे हैं तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी इसको आपको पता होना चाहिए कि जावा कहाँ पर यूज़ होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।